सभी को हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। आज हम बात करते हैं IHBS रिक्वायरमेंट न्यू दिल्ली वैकेंसी 2022। आठवीं पास भर्ती है आप सभी के लिए। आठवीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक आप फार्म भर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट आई है IHBS के अंदर। दिल्ली के अंदर वैकेंसी है, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेम ऑफ पोस्ट, अलग अलग वैकेंसी निकली है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टोटल पोस्ट 16 हैं इसके अंदर। पे स्केल आपका हम बता देंगे नीचे वीडियो में और जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली में रहेगी। और लास्ट डेट है इसकी, जो अंतिम तिथि है फार्म भरने की, वो 27 अगस्त है। फार्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑफलाइन फार्म डाउनलोड कर सकते हो। ये आप सभी के लिए बड़ी जानकारी है। फार्म भरने 11 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 27 अगस्त है। एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है सभी कैटेगरी के लिए। जर्नल SC OBC के लिए कोई फीस नहीं है फार्म भरने की। एज लिमिट है, मिनिमम एज है आपकी 18 साल और मैक्सिमम है 50 साल। SC ST को और OBC को अलग से छूट दी जाएगी। पोस्ट का नेम क्या है और एज लिमिट क्या है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 50 साल तक एज होनी चाहिए, 18 से 50 साल तक। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 18 से 50 साल तक और रिसर्च असिस्टेंट के लिए 18 से 50 साल तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 से 35 साल। नर्सिंग के लिए 30 साल और हेल्थ वर्कर के लिए 18 से 30 साल। ये एज लिमिट है। टोटल पोस्ट है इसमें 10 पोस्ट है और पोस्ट का नाम क्या है देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर 3 पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट है और नर्सिंग की 3 पोस्ट है, हेल्थ वर्कर की 3 पोस्ट है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर पोस्ट अलग अलग दी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए MPhil चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए MA और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट के लिए MA और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग के लिए 10वीं पास होना चाहिए और हेल्थ वर्कर के लिए 8वीं पास। अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी दी हुई है। पोस्ट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अप्लाई कैसे करना है आपको, फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन भरा जाएगा आपका। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें एक बार। 27 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म भरकर इस एड्रेस पर भेज दें, जो आपका एड्रेस अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस एड्रेस पर आप अपना ऑफलाइन फॉर्म भरकर भेज सकते हो। सैलरी क्या है इसकी, जो IHBS के अंदर भर्ती निकली है, सैलरी क्या है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 50,000 रुपये सैलरी है। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 40,000 है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए 31,000 है। पे स्केल बहुत अच्छा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो के लिए हम मोटिवेट हो पाएँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 31,000 रुपये सैलरी है। नर्सिंग के लिए 17,000 है। हेल्थ वर्कर के लिए 15,800 रुपये सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ये सिलेक्शन प्रोसेस है IHBS के अंदर। ये जानकारी आप सभी को देनी थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।